नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी जो विश्व स्तर पर अपनी खूबसूरती और प्रबंधन के लिए मशहूर है, परंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो शहर में क्या सड़कें, क्या बाजार, क्या सरकारी गैर सरकारी इमारतें, सब प्रशासन और नगर निगम के आपसी तालमेल न होने से शहर की व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के पौश इलाके सेक्टर 15 की पटेल मार्केट की, जहां रेनोवेशन के नाम पर सार्वजनिक शौचालय को मार्च 2024 में बंद किया गया। काम खत्म होने के बाद भी उन पर ताला लगा हुआ है। कहने को तो स्थानीय भाजपा पार्षद ने मोबाइल टॉयलेट यहां खड़ा करवा दिया था, लेकिन उसका सेप्टिक टैंक एक दिन में ही फुल हो जाता है। प्रशासन और नगर निगम आंख कान बंद किए बैठे हैं। अर्थ प्रकाश संवाददाता ने जब जन साधारण से बात की तो बात करने से कतरा आते हुए लोग नजर आए। जब मार्केट के प्रधान व दुकानदार से खासकर महिलाओं से बात की गई तो कई चीजें सामने आई। आइए जानते हैं उनकी व्यथा, उनकी जुबानी। जी, मेरा नाम सोनी यादव है। मेरी शॉप का नंबर 352 है, वॉशरूम के साथ कॉर्नर पे है। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, वॉशरूम बंद है। सबसे पहले जो मार्केट में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रोल है वॉशरूम का, वो बंद है। ये कितनी देर से बंद है जी? ये अराउंड 6-7 महीने से बंद है। 6-7 महीने से बंद है, ठीक है जी। हाँ, कुछ बोल रहे थे आपको दिक्कत हो? हाँ, अभी जैसे मैं कॉर्नर की दुकान है, हर कस्टमर आके मैसेज पूछता है वॉशरूम बंद क्यों है, वॉशरूम बंद क्यों। एक ही जवाब, रेनोवेशन हो रही है। तो अभी इन्होंने वॉशरूम का ट्रक यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, मोबाइल जो टॉयलेट है यहाँ पे खड़ी कर दी। बस इससे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, ना के बराबर है। ठीक है, ये ओवरलोड एक दिन में पूरा भर जाता है। उसके बाद यहाँ पूछो मत, पता नहीं कैसे बंदे यहाँ खाना खा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हम कॉर्नर पे हैं, इतनी ज़्यादा हमें तंगी हो रही है, हम बता नहीं सकते। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है सर, डिस्टर्ब होना चाहिए। नहीं, तुसी काउंसलर साहब ने कंप्लेंट की थी अपने प्रधान जी के थ्रू? नहीं सर। नहीं, तुसी आप ही क्या सी ले जाते हो पर्सनल? मैं पर्सनल वही का भी ओपन अपन का चाहने भी जड़ी बंद है चीज वो खुली चाहिए। नहीं, काउंसलर साहब का की रिस्पांस सीगा? कोई रिस्पांस आया नहीं सर मेरे को। पर देखो हुन जिहड़े जेंट्स है वह तो कितने भी फ्रैश हो जाते हैं, खड़े हो गए दीवार के नाल, पेड़ के नाल। लेडीज़ लिए तो बड़ी दिक्कत है, बीइंग अ फैमिली पर्सन। लोकल पर्सन अच्छा थोड़ी लगता है दीवार से पेशाब करते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू जी सर। हाँ जी, मैं पटेल मार्केट में, मेरी शॉप है और यहाँ पे जो वॉशरूम है कम से कम भी उसको 7-8 महीने हो चुके हैं। हमारे को इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे को आधा किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। तो सर, आपने किसी को अप्रोच नहीं किया इसके बारे में, काउंसलर से या अपने प्रधान से? क्या कह के थक गए हैं वो भी, क्या करे, ऊपर वाले करने को तैयार नहीं। ऊपर वाले कौन जी? ये प्रभु जाने। अच्छा, मतलब आपने काउंसलर साहब से कंप्लेंट की है इस चीज की? ठीक है सर, कुछ भी नहीं उपाय हो पा रहा, हमारे को बहुत परेशानी हो। ठीक है सर, प्लीज। मैं ज्योति सेक्टर 15D से बात कर रही हूँ, पटेल मार्केट से। मैं शॉप नंबर 257 से बोल रही हूँ। यहाँ पे वॉशरूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको बहुत दिक्कत है। लास्ट 6 मंथ से वॉशरूम जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। रेनोवेशन चल रही है, रेनोवेट का काम कंप्लीट भी हो गया है, वहाँ पे वॉशरूम बन के रेडी है, लेकिन वॉशरूम खुला नहीं है अभी तक। नहीं, इसका क्या रीज़न है कि अभी तक खुला नहीं है जी? ये पीछे शायद जो दुकानें अभी रेनोवेशन का काम पीछे चल रहा है, वो कहते हैं कि इकट्ठा ही एक बार ही हम उनका करेंगे, मतलब रिबन काटना है या जो भी करना है उन्होंने अपने, उनके जो भी है फॉर्मेलिटीज़ वो करनी है। लेकिन लेडीज़ को बड़ी दिक्कत आ रही है, आप रिबन बाद में कटवाते रहना, लेकिन एक बार देखो लेडीज़ के लिए वॉशरूम तो उनको ओपन करना ही चाहिए। अब पार्किंग में हम कार पार्क करने जाते हैं, तो वहाँ पे कार जब हम उठाने जाते हैं तो हमें पता है वहाँ पे क्या हालत होती है, मतलब इतनी दिक्कत आती है ना। सामने दीवार पे सारे जो जेंट्स हैं वो वॉशरूम, मतलब स्मेल ही स्मेल हुई पड़ी। आप एक बार आके, मैंने कई बार बीट बॉक्स में भी कंप्लेंट की है कि वहाँ पे मना करो आप, दीवार पे सारे जेंट्स जो हैं, वर्कर्स हैं पीछे, जो ढाबे हैं उनके सारे वर्कर्स हैं, जो मार्केट में लगे हुए वर्कर्स, वो सारे पार्किंग में जाते हैं वॉशरूम। तो इसके रिगार्डिंग कोई आपके मार्केट का प्रधान हो या एरिया काउंसलर से आपने कंप्लेंट की है जी? हाँ जी, एरिया काउंसलर के पास भी जा चुकी है कंप्लेंट, प्रधान तो उनको भी दी है कंप्लेंट। अब क्या रीज़न है अंदर के पता नहीं है कि वॉशरूम क्यों नहीं। प्रधान तो मतलब प्रधान जी के सुनते नहीं मार्केट की? नहीं सुनते हैं प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है, आते हैं, पर वो ना एक्चुअली खुद नहीं होते हैं यहाँ पे। उन्होंने ना अपनी जो शॉप्स हैं, देखो वो रेंट भी दी हुई है यहाँ पे, खुद नहीं बैठते हैं।
जो दिक्कत यहाँ पे शॉप पे जो बैठ रहा है बंदा, जो वो फेस करेगा ना, वो इधर उधर घर बैठा बंदा नहीं फेस करेगा। बिल्कुल ठीक। आपने रेंट पे शॉप दे दी, आपको घर बैठे रेंट मिल रहा है, लेकिन जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं फेस कर रहे। अगर ये दिक्कत वो देखते तो शायद अब तक वॉशरूम खुल जाता। उनको काफी बार बोल चुके हैं ये बात ना, क्योंकि मार्केट की लेडीज बोल चुकी हैं उनको ये बात। ठीक है, थैंक यू जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।